हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत स्टूडियो में। आज की ये वीडियो केमिस्ट्री की रहेगी। केमिस्ट्री चाहे 12th क्लास समझ लीजिए, 11th क्लास समझ लीजिए, बीएससी समझ लीजिए, एमएससी समझ, किसी भी क्लास में हो, यदि आपके पास साइंस साइड है और साइंस में यदि आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हो और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है रिएक्शंस, तो आज हम आपको रिएक्शंस सिखाएंगे बनाना किस तरीके से बनती है। रिएक्शंस की मैं दो वीडियो पहले डाल चुका हूं, वो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर सिखाए थे, आज भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा। और ये स्पेशली ये क्लास यूपी बोर्ड के लिए होने वाली है, यूपी बोर्ड कक्षा 12, ठीक है, 2024 की जो परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए अभिक्रियाएं कराई जाएंगी जो पहले पेपर में आ चुकी हैं। तो आज का जो पहली रिएक्शन है, एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल, ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्शन होगी आपकी 11, अब तक हमें आपको 10 रिएक्शन पहले करा चुका हूं, ये 11वीं रिएक्शन होगी। क्या है? एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल, एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल हमको बनाना है। अब पहले ये सीखिए कि एथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, एथिल का मतलब होता है C2H5, ये एथिल है। एमीन का मतलब क्या होता है? एमीन समूह होता है NH2, ये जोड़ देते हैं तो ये एथिल एमीन हो जाता है। इसको खुली रूप में लिखें CH2, CH3, CH2, NH2, ये आपका एथिल एमीन बन गया, यानी कि C2H5, यही चीज यहां पर लिखी हुई है ये। तो एथिल एमीन क्या है आपका? CH3, CH2, NH2, ये आपका क्या बन गया? एथिल एमीन बन गया। क्या है आपका? ये है आपका एथिल एमीन। एथिल एमीन की क्रिया ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल, दो चीजें होती है, एक नाइट्रिक अम्ल होता है, एक नाइट्रस अम्ल। एथिल एमीन की क्रिया जब हम नाइट्रस अम्ल HNO2 से कराते हैं तो एथिल एमीन बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, CH2 और यहां पर OH आ जाएगा, ये OH आ गया, यही है आपका एथिल अल्कोहल। यही आपका क्या है? एथिल अल्कोहल, ALC का मतलब समझ जाना, अल्कोहल, ठीक है। अब देखिएगा यहां से, अब रिएक्शन को कंप्लीट करो। हमने क्या सीखा? बेसिक, थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन रिएक्शन आपके दिमाग में ठोक दूंगा। क्या है? CH3, CH2, NH2, एथिल एमीन की क्रिया जब मैंने नाइट्रस अम्ल से कराई, यानी कि HNO2 से कराई, तो मेरा एथिल अल्कोहल बन गया। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला ये। यदि ये रिएक्शन एक नंबर की है और आपने बस इतना दिमाग में करा, एथिल एमीन का फॉर्मूला इधर और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला इधर रख दिया, आधा नंबर मिलेगा आपको, कंप्लीटली आधा नंबर मिलेगा। अब इसको कंप्लीट कर दोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। पूरा कैसे मिलेगा? आपने इसकी क्रिया इससे कराई। अब देखो जरा इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। CH3 ये आ गया CH3, CH2 ये आ गया CH2। अब यहां से ये HNO2 था, HNO2, तो इसका मतलब यहां से H, ये वाला H और यहां से O, यानी कि ये वाला O, तो अब ये कितना बचा? NO बचा। बात समझ में आएगी? ये वाला O यदि यहां पर जुड़ जाएगा तो NO2 हो जाएगा, HNO2, तो ये वाला जो OH है यहां पर जुड़ गया, तो अब इसमें कितना बचा? NO बचा। क्या बचा? NO बचा। ओके, ऑलराइट, यहां से NO बचा और एक यहां से क्या बचता? यहां से आपका ये चीज बच रही है। क्या बच रही है? HNH2 बच रहा है, तो यहां से ये चीज जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, जल निकल गया। और एक आपका N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस बनकर निकल गई, नाइट्रोजन गैस निकल गई। बात समझ में आई कि जब हमने एथिल एमीन की क्रिया HNO2 से करा दी तो ये आपका एथिल अल्कोहल बनके तैयार हो गया। बात खत्म हो गई, रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। हमेशा जब आपको दिखाई दे H2 दिखाई दे और O दिखाई दे तो हमेशा जल ही बनना है, और यहां पर बचा N और N2 बचा, N2 यानी नाइट्रोजन गैस निकलकर चली गई, फुर्र हो गई, ठीक है। समझ में आई बात? अब थोड़ा सा बेसिक चीजें मैं आपको और बता दूं, जब भी कभी भी इस तरीके की कंडीशन दिखाई दे, जैसे कि आपका CH3OH है और इसके साथ में PCl5 इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा P
और ओ जब भी दिखाई देंगे तो आपका, और सी सी एल दिखाई दे रहा है तो पी ओ सी एल थ्री हमेशा हमेशा पी ओ सी एल थ्री बनेगा, हमेशा पी पी ओ सी एल थ्री बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? हमेशा पी ओ सी एल थ्री बनेगा ही बनेगा, हमेशा याद रख लेना। ठीक है, अब इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करेंगे क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने खूब चीख चीख के बताए थे इसके नाम। ठीक है, आगे अब पी और ओ और सी एल बना, पी ओ सी एल थ्री निकल गया। और एक और चीज याद रखिएगा, यहां से आपका जैसे ही यहां पर ये सी एल है और यहां से एच है तो एच सी एल भी बनेगा। ये दो चीज तो कंपलसरी है, ये दो चीजें आपकी कंपलसरी है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी कभी भी कोई भी अम्ल, यहां पर जरूरी नहीं है कि सी एच थ्री ओ एच ही हो, सी टू एच फाइव ओ एच हो, सी थ्री एच सेवन ओ एच हो, कोई भी अम्ल है आपका, यहां पर आपको ओ और एच, ओ और एच दिखाई देंगे और इधर पी सी एल फाइव दिखाई दे रहा है। आग नीच के ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपका पी ओ सी एल थ्री और एच सी एल लगाना ही लगाना है। ठीक है, चलिएगा अब आप समझ जाओगे अगली क्रिया को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां से समझोगे इसका यूज क्या है, इसका यूज मैं आपको बारहवीं रिएक्शन में आपको बता रहा हूं। बारहवीं रिएक्शन क्या कह रही है, मैथिल अल्कोहल से आपको चाहिए एथिल अल्कोहल। क्या चाहिए, हालांकि ये तो मैंने शायद करा दिए थे, ये मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल मैंने ये रिएक्शन आपको कराई थी, शायद 15 तक मैंने करा दी थी रिएक्शन उस दिन आई थिंक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज फिर से करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है नए सिरे से। तो मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल मेरे को बनाना है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल किस तरीके से बनाएंगे हम। सबसे पहले हम देखिएगा हमने क्या लिया, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। यहां से मैंने लिया सी एस थ्री ओ एच, ये मेथिल अल्कोहल की क्रिया में किससे करा रहा हूं, वही चीज अभी मैंने क्या बताया था, यहां से मैं पी सी एल फाइव फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जैसे ही मैं क्रिया कराऊंगा तो आपको मैंने क्या बताया था, जैसे ही पी और ओ दिखाई देगा तो आपका पी ओ सी एल थ्री निकल जाएगा, ये सी एल है यहां से एच है तो एच सी एल निकल जाएगा। अब बचा क्या, ध्यान से समझिएगा, ये पी सी एल थ्री निकल गया, एक सी एल निकल गया, ठीक है, एक पी निकल गया तो यहां पर केवल सी एल बचा। देखिए ये पांच सी एल है, पांच में से तीन सी एल ये निकल गए, एक सीएल ये निकल गया, यानी कि चार तो सीएल निकल गए, एक पी निकल गया, ये वाला ओ निकल गया, ये वाला एच निकल गया, तो यहां से आपका सीएच थ्री बचा, यहां से सीएल बचा, तो केवल और केवल कितना बचा, ये बचा सीएच थ्री और ये यहां से क्या बचा, केवल और केवल यहां से आपका सीएल बचा, ये मैथिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब मैथिल क्लोराइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, मैथिल क्लोराइड की क्रिया हम पोटेशियम साइनाइड, मैथिल क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड किससे कराएंगे, तो ये के इस सी एल के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, के सी एल बना लेगा, तो यहां से आपका सी एच थ्री, यहां से सी एच थ्री बचा और ये वाला जो सी एन है, ये वाला सी एन यहां पर जुड़ जाएगा तो ये मैथिल साइनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड, ये मैथिल साइनाइड हो गया। ठीक है, ओके, अब इसकी क्रिया हम फिर से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, मैथिल साइनाइड की क्रिया का हम क्या करा दे रहे हैं, यहां से आपका अपचयन इसका करा देंगे हम, यानी कि ऐसे, और हम यहां से अपचयन कराएंगे तो देखिएगा हमको यहां से क्या बनाना है, यहां से हमारा बन जाएगा आपका एथिलएमीन बन जाएगा। एथिलएमीन कैसे बन जाएगा, देखिएगा मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखिएगा ये सी एच थ्री था और ये वाला जो सी है, ये C है और ये N है, यही तो है, देखिए ध्यान से CH3, ये C है और ये वाला N, CH3 यानी मेथिल साइनाइड था ये, लेकिन मैंने यहां पे किया इसमें H2 जोड़ दिया, एक इसमें H2 जोड़ दिया तो ये हो गया, यानी CH3 CH2, यानी ये अपने आप में मेथिल और ये एमीन समूह है, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये आपका CH3 जो होता है ये आपका मेथिल होता है केवल, और सी एच थ्री के साथ में सी एच टू भी जुड़ जाए तो ये आपका एथिल होता है, एथिल,
और इसमें NH2 जो होता है ये समूह, ये आपका एमीन समूह होता है। तो इस एथिल के साथ में हमारा NH2 जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, एथिल एमीन। तो ये क्या बन गया आपका, एथिल एमीन बन गया। समझ में आई बात नहीं आई, ये आपका एथिल एमीन बन गया। हमने क्या किया, बस दो सी इसमें डाल दिए, दो सी। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर आपने तो यहां पर एक एच लिया है लेकिन यहां पर तो दो और दो चार एच आ गए, कोई दिक्कत नहीं है संतुलित कर दो। यहां पर हमने चार से मल्टीप्लाई कर दी, चार एच कर दिया, दो एच यहां पर, दो एच यहां पर लग गए, ठीक है। चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या बन गया, ये एथिल एमीन बन गया। हमको क्या चाहिए था, मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल चाहिए था। तो देखिएगा ये एथिल एमीन बन गया, और एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल अभी अभी हमने बनाया था, यहां से बनाया था, नहीं बनाया था, देख लो ये वाली अब क्रिया, ऊपर वाली का यूज कर लेंगे हम। HNO2 से हम इसकी क्रिया कराएंगे, HNO2 से जैसे ही मैं क्रिया कराऊंगा तो यहां से CH3CH2 और ये OH आ जाएगा, CH3CH2 यहां से O और यहां से H यहां पर जुड़ गया, यहां से आपका O बचा, N बचा, यहां से H2 बचा, तो ये क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और एक यहां से N2 निकल जाएगा। ये वाली रिएक्शन फिर से रिपीट होगी यहां से, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया, ये एथिल एल्कोहल बन गया। अब यदि यहीं से आपसे कहेगा कि मैथिल एल्कोहल से, देखिएगा ये क्या है आपका, मैथिल एल्कोहल है, ये आपका मैथिल एल्कोहल है, मैथिल एल्कोहल से मैथिल साइनाइड बन गया, मैथिल एल्कोहल से मैथिल क्लोराइड बन गया, मैथिल एल्कोहल से एथिल एमीन बन गया। तो ये इंपोर्टेंट अब क्रिया बन गई यहां से। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भैया मैथिल एल्कोहल से मैथिल एल्कोहल से एथिल एमीन बनाओ, एथिल एमीन, तो मैथिल एल्कोहल से एथिल एमीन यहां तक करना है, केवल मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल ये बन गया आपका, ठीक है। चलिएगा अब हम एथिल एल्कोहल से एसीटोन बनाना सीखेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने ये अभिक्रियाएं करा दी हैं पहले, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अभिक्रिया में सीखो, एक बार नहीं दो बार सीख लो, तीन बार सीख लो, बस सीखते रहो, ठीक है। चलिएगा अब मैं आगे अभिक्रिया को चलता हूं, बारहवीं अभिक्रिया लेता हूं, बारहवीं अभिक्रिया क्या कह रही है, एथिल एल्कोहल से एसीटोन, एथिल एल्कोहल से एसीटोन बनाना सीखेंगे हम। एथिल एल्कोहल ये पुरानी वाली अभिक्रिया, जब आपने पहली वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने ये कराई थी। एथिल एल्कोहल क्या होता है, CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल को जब हम CU की उपस्थिति में 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है, हाइड्रोजन यहां से मुक्त हो जाता है तो बचता क्या है, देखिएगा ये आपका CH3 जोंकाते हो रहेगा, ये CH3 एक यहां से CHO ये आ जाता है आपका, इसको बोलते हैं हम एसिटल्डिहाइड। ये आपका क्या है, आपका एसिटल्डिहाइड है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड का हम क्या कर देते हैं, फेलिंग विलयन की उपस्थिति में हम इसका क्या करा दे रहे हैं, फेलिंग विलयन की उपस्थिति में जैसे ही हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, CH3COOH। मतलब क्या है देखिएगा, इसके साथ में CH3CO और ये वाला O आ जाता है और H पीछे चला जाता है, ये आ गया, बात समझ लेना इसका, ये ऐसे यानी यहां पर इस तरीके से आ गया। अब इसकी क्रिया और आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसकी क्रिया हम किससे करा देते हैं, देखिएगा यहां से आपका ऐसा समझिएगा, ये आपका यहां पर बना दो, पहले इसको कंप्लीट कर दो, यहां पर ये बन गया आपका CH3COOH इस तरीके से, और इसका नाम लिख देना एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बन के तैयार हो गया, ठीक है। फिर नई लाइन से इसके दो अणु लेना, CH3COOH के दो अणु ले लिया हमने, CH3COOH
इसका भी, हालांकि हम दो इसके आगे भी लगा सकते थे ऐसा लिखने का, यानी कि हमने क्या लिया है, दो अणु लिए हैं इसके, इसकी दो अणु की क्रिया हम CaO के साथ कराएंगे। जैसे ही मैं इसकी दो अणु की क्रिया CaO के साथ कराता हूं तो होता क्या है कि ये वाला, ये CH3COO, ये यहां तक ऐसे, ये वाला CH3COO, ये और इसके साथ में ये CA के साथ में जुड़ जाते हैं, यहां से एक एच, ये वाला एक एच और ये ओ, H2O यहां से निकल जाता है, ठीक है, ये आ गया। इसको बोलते हैं कैल्सियम एसीटेट, इसका फॉर्मूला एक्चुअली में ये होता है, कैल्सियम एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO का ट्वाइस CA, तो इसकी संरचना इसी तरीके की होती है, CH3COO का ट्वाइस, यानी CH3COO CH3COO यानी दो बार, ये CA, इसलिए यहां पर दो अणु लेते हैं हम, ठीक है, CA के साथ क्रिया कराते हैं, इसको गर्म कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका, ठीक है। अब हम इसकी क्रिया किससे कराएंगे, हम इसको फिर से हम गर्म करेंगे, इसको मैं फिर से गर्म करूंगा, जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा तो मेरे को बनाना क्या है, एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3, ये होता है आपका एसीटोन, ये है आपका एसीटोन CH3COCH3, यानी कि एक CH3 एक CO एक CH3, ये आ गया। अब बचा क्या, इतना आपका बचता है एक्स्ट्रा, ये वाला बचता है, इसको पढ़ो जरा, CaCOO3, यानी कि कितना हो गया CaCO3, इतना निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपका निकल जाता है, CA C और एक दो तीन, तीन O हैं तो CO3 CaCO3 ये निकल जाएगा, तो ये आपका बनके तैयार हो गया। समझ में आई बात, नहीं आई तो ये आपका एथिल अल्कोहल से एसीटोन बन गया। 13वीं अभिक्रिया देखेंगे, 13वीं अभिक्रिया क्या है, 13वीं अभिक्रिया पर हम चलते हैं सीधे सीधे, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, क्या है, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, तो देखिएगा ये तो सिंपल है, एक ही पद में क्रिया हो जाएगी, CH3 CH2OH, ये एथिल अल्कोहल हो गया। अब एथिल अल्कोहल की क्रिया हम किससे करा देते हैं, एसिटिक अम्ल से, CH3COOH के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, एथिल एसीटेट, यानी कि CH3CO, यहां से हम लिख देंगे C2H5, ये बन के तैयार हो गया। तो ये है एथिल एसीटेट, ये आपका क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, सॉरी यहां पे ऐसा करिएगा COO लगाइए, COO C2H5, ये है आपका एथिल एसीटेट। लो इस CH3COH की क्रिया हमने किससे कराई है, CH3COO इसके साथ, तो बस इसमें क्या है, ये वाला जो अणु है C2H5, तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है वो ये है, केवल ये। आप कहेंगे सर ये तो CH3CH2 लिख रहा है, आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि CH3CH2 को ही हम क्या बोलते हैं, CH2 को ही हम बोलते हैं C2H5, बात एक ही है, देख लो, नहीं तो सी और सी दो सी हो गए, तीन और दो पांच एच हो गए, ठीक है, यही है ये। और एसीटेट समूह ये वाला, एसीटेट समूह ये रहा CH3COO, यहां से एच बचा और यहां से OH बचा, तो ये मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा। अब आगे एकदम और बेहतरीन अभिक्रिया बताता हूं मैं आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको, अब अगली अभिक्रिया है, यानी कि 14वीं अभिक्रिया है, फॉर्मेल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये क्रिया करते हैं हम। देखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, ये आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का हम क्या करा दे रहे हैं, ऑक्सीकरण, सॉरी अपचयन हम इसका करा देंगे,
तो अब हमारा यहां से क्या बन जाएगा आपका, जैसे हम इसका अपचयन कराते हैं तो हमारा बन के तैयार हो जाता है CH3OH। अब देखिएगा यहां पर तो 2H है, यहां पर कितने, 3 और एक 4 है, यहां पर 2 है तो हम यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्या करा है, सी इस एच के साथ में हमारा क्या है, 2H यहां से जुड़ गए, ये वाले 2H यहां पर जुड़ गए, तो ये CH3 हो गया, ये वाला एच यहां से पीछे चला गया, तो ये आ गया CH3OH बन गया, यानी कि मैथिल अल्कोहल। अब ये क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया मैथिल अल्कोहल की क्रिया हम PCl5 के साथ कराएंगे। अब आपको पता है PCl5 के साथ जैसे ही क्रिया होगी, हमने क्या बताया था, PCl P और O दिखाई देगा तो आपका POCl3 निकल जाएगा, यहां से H और Cl दिखाई देगा तो HCl निकल जाएगा, तो यहां से आपका CH3 बचेगा, यहां से केवल CCl बचेगा, यानी कि मैथिल क्लोराइड हो गया। यहां से आगे की क्रिया मैं इधर की साइड से लिख दे रहा हूं, ये CH3Cl आ गया। अब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, आपको पता है KCN से, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, KCN से कराएंगे, तो यहां पर ये वाला K इसके साथ मिलेगा, KCl बना लेगा, तो यहां से आपका CH3Cl निकल जाएगा, यानी कि मैथिल साइनाइड हो गया। अब मैथिल साइनाइड की क्या कराते हैं, मैथिल साइनाइड का फिर से हम अपचयन कराते हैं। मैथिल साइनाइड का जैसे ही हम अपचयन कराएंगे तो यहां पर क्या बताया था मैंने, ये CH3 है, ये C के साथ में, इस C के साथ में 2H यहां पर जुड़ जाएंगे और 2H इस N के साथ में जुड़ जाएंगे, ये N था, इस N के साथ में भी यहां पर 2H जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल एमीन हो जाता है, एथिल एमीन हो जाता है। इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहां पर 2H और 2 4H जुड़ गए हैं, तो इसलिए हम यहां से 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एथिल एमीन बन के तैयार हो गया। अब एथिल एमीन से हम क्या बनाते हैं, एथिल एमीन की क्रिया थोड़ी सी और आगे, एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं एथिल एमीन की क्रिया, फिर यहां से हम HNO2 से जैसे हम क्रिया कराते हैं तो यहां से आपका क्या बन के तैयार होता है, देखिएगा ध्यान से, यहां से OH आपका यहां पर जुड़ जाएगा, तो यहां पर CH, तो हमको क्या चाहिए, एथिल अल्कोहल चाहिए, तो यहां से देखिएगा CH3 CH2, तो ये है ही, OH यहां पर जोड़ देंगे हम, CH3 CH2 है, OH यहां से हम जोड़ देंगे, तो यहां से क्या बचेगा, ये आपका एक तो N और N बनेगा, तो N2 निकल जाएगा, और यहां से आपका एक O बचा और यहां से आपका H2 बचा, तो यानी कि H2O निकल जाएगा, यही आपका एथिल अल्कोहल आ जाएगा, क्या हमने ये क्रिया कराई है क्या पहले अभी, अच्छा ये फॉर्मेल्डिहाइड से थी, इससे पहले हमने मैथिल अल्कोहल से हमने एथिल अल्कोहल प्राप्त किया, बस यहां से बस फॉर्मेल्डिहाइड से मैथिल अल्कोहल प्राप्त कर लिया, बस इतना। अब 15वीं अभिक्रिया क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, चलिएगा अब की बार फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड ये अभिक्रिया करेंगे हम, बहुत ही शानदार अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को भी सीखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड हमको निकाल बनाना है, तो भाई फॉर्मेल्डिहाइड लेके चलेंगे, यानी कि यही अभिक्रिया लेके चलेंगे CH3CHO, इसकी क्रिया हम किसका क्या कराएंगे, इसका अपचयन कराएंगे, तो यहां से हमारा CH3OH बन जाएगा, तो यहां पे हमारा 2H जुड़े हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका। फिर इसकी क्रिया किससे कराएंगे, वही पुराने वाला आपका चलेगा, यहां से हमारा क्या है PCl5, यानी कि यही चीज PCl5 से क्रिया कराएंगे, तो आपका POCl3 निकल जाएगा और एक आपका क्या निकल जाएगा, HCl आपका यहां से निकल जाएगा, तो यहां पर CH3Cl बचेगा। ये क्रिया फिर से आगे बढ़ेगी, फिर से हम KCN से हम क्रिया कराएंगे, KCN से हम इसकी क्रिया कराएंगे, तो KCl यहां से निकल जाएगा, तो CH3Cl बन जाएगा। इसकी क्रिया फिर से हम आगे बढ़ाएंगे, इससे हम फिर से आगे यहां से बढ़ाएंगे, तो आपका यहां से एथिल एमीन तक ये वाली क्रिया लेकर जाइएगा, यहां से हम इसकी क्रिया ये हो गया, यानी कहां पर पहुंच गया, यहां से KCN से हम इसकी क्रिया करा दें, KCN से डायरेक्ट क्रिया करा, ये निकाल तो दिया KCN से, अरे यार क्या कर दिया हमने, K के साथ में Cl मिला, KCl निकल गया, CH3CN ये वाला जो CN है यहां पर बन जाएगा। अब इसकी क्रिया हम इसका क्या करा रहे हैं, वही CH3
CH2 और NH2, इस तरीके से NH2, तो ये एथिल एमीन बन गया। यहां से चार की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एथिल एमीन, यानी कि ये वाला यहां तक पहुंच गए। यहां के बाद में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे हम इसका। अब आपका यहां से, चलो यहां से ऐसा करो एथिल एल्कोहल ले आओ, चलो यहां से ये भी क्रिया चलो सेम कर ले रहे हैं हम। यहां पर CH3 CH2 NH2 ले आए। अब इसके में हमने क्या किया, वही चीज HNO2 से हमने इसकी क्रिया करा देंगे। HNO2 से जैसे ही क्रिया कराएंगे CH3 CH2 OH आ जाएगा। यहां से आपका H2O निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा। देखिएगा CH3 CH2 ये आ गया, यहां से एक O और एक H यहां पर जोड़ दिया, तो यहां से O बचा, H2O ये मिलके H2O बन गया, N और N मिलकर N2 निकल गया। ठीक है, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका एथिल एल्कोहल आ गया। एथिल एल्कोहल की क्रिया हमको क्या चाहिए, हमको एथिल एल्कोहल ये एसिटैल्डिहाइड चाहिए। तो एथिल एल्कोहल से हमने एसिटैल्डिहाइड बनाना आपको बताया ही था। एसिटैल्डिहाइड कैसे बनाया था, यहाँ पे हम CU की उपस्थिति में या तो 573 केल्विन पर जोड़ गर्म कर दीजिए, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां से आपका CH3 और यहां से आपका CH3, हमको क्या चाहिए एसिटैल्डिहाइड चाहिए। CH3 CH2 CH3 CH3 CHO निकल जाएगा, CH3 CHO निकल जाएगा, यहां से H2 आपका गायब हो जाएगा, H2 गैस बन के निकल गया, ये आपका एसिटैल्डिहाइड हो गया। हालांकि ये पहले भी अभिक्रिया थी शुरुआत में, ठीक है, तो यानी कि ये अभिक्रिया आपने कर ली तो एथिल अल्कोहल से एसिटैल्डिहाइड हमने शुरुआत में भी कराया था, इससे पहले वाली अभिक्रिया में भी शायद कराया था। तो बस ये है अभिक्रिया। तो आज मैंने आपको शायद, मुझे लग रहा है मैं दोबारा करा दें, चलो अगली वीडियो बनाऊंगा तो आगे 16 से अभिक्रिया स्टार्ट करूंगा। 16वीं अभिक्रिया रहेगी आपकी एसिटैल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड, फिर उसके बाद में चलेगा एसिटैल्डिहाइड से एसीटोन, फिर चलेगा एसिटैल्डिहाइड से एथिलीन, फिर आपका चलेगा एसिटैल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म, फिर चलेगा आपका एसीटोन से एसिटामाइड, फिर इस तरीके से आगे बढ़ेंगी अभिक्रियाएं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी अभिक्रियाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से आपका एथिल अल्कोहल बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड से आपका ये आपका एथिल एमीन बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड से आपका एसिटैल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से आपका एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल से एसिटैल्डिहाइड हो गया, मेथिल अल्कोहल से एसिटैल्डिहाइड हो गया, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल हो गया, मेथिल अल्कोहल से आपका एथिल एमीन हो गया। यानी एक ही अभिक्रिया बहुत सारी चीजें आपकी करा देती है क्लियर। तो बस ये नाम आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड ये आपका बन गया, यहाँ पर एथिल एमीन बन गया, ये आपका एथिल एमीन है, ये आपका एथिल एल्कोहल है, ये एसिटैल्डिहाइड है। तो अभिक्रियाएं आपकी इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, बस आपको एक तो अभिक्रियाएं बेसिक चीजें सीखने में आ जाती हैं तो अभिक्रियाएं अपने आप बनती चली जाती हैं और आगे ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। इन अभिक्रियाओं को इस तरीके से क्रम बाई क्रम याद करिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।